Good morning, today is 5th of Feb 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहाँ पे सीनियर सिटीजंस के बारे में है. बजट 2018-19 में क्या प्रोविजंस, क्या रिलीफ दी गई हैं सीनियर सिटीजंस को, क्या हमारे देश में सभी सीनियर सिटीजंस को, मतलब ग्रामीण भारत में जो सीनियर सिटीजंस हैं उनको भी और अर्बन भारत के सीनियर सिटीजंस को भी बजट की रिलीफ से फायदा हो पाएगा या नहीं, डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद नीचे का ये आर्टिकल मालदीव के बारे में है. मालदीव में फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गई है, डिस्कस करेंगे क्यों. 20 में ये बड़ा आर्टिकल रिफ्यूजीज के बारे में है. ज्यादा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दो तीन ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. नीचे ये आर्टिकल राजनीति से संबंधित है, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. दूसरे पेज पे ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी साबित हो सकती है ये. HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, सर्विकल कैंसर को ठीक करने के लिए है ये वैक्सीन, तो इससे संबंधित आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को भी. यहां पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, हर मंडे को प्रकाशित होता है, एडिटोरियल जवाब उसके बाद यहां पे ये आर्टिकल हर मंडे को प्रकाशित होता है. द हिंदू ने कौन सी न्यूज को कितनी प्रायोरिटी दी, कौन से पेज पे, ये सब चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. नीचे का ये आर्टिकल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम सीनियर सिटीजन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. GS पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा. सीनियर सिटीजन्स यानी वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा है. हमारे देश में 70% सीनियर सिटीजन्स ग्रामीण भारत में रहते हैं और 30% सीनियर सिटीजन्स रहते हैं अर्बन भारत में. इस एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, काफी तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसके अलावा मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा होती हैं, और कई बार तो सीनियर सिटीजंस के बच्चों के द्वारा उनको छोड़ दिया जाता है, वो आइसोलेटेड फील करते हैं. इस सिचुएशन में सीनियर सिटीजंस ने अपने जीवन काल में जो पैसा कमाया होता है वहीं से इनकम आ रही होती है सीनियर सिटीजंस के लिए, या तो पेंशन की फॉर्म में या फिर ब्याज की फॉर्म में. लेकिन पिछले कुछ सालों में बैंकों की जो ब्याज दरें हैं वो काफी कम हो गई हैं, यानी सीनियर सिटीजंस को ब्याज की फॉर्म में काफी कम पैसा हासिल हो रहा है, काफी कम इनकम हासिल हो रही है, और हेल्थ केयर पे खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ गया है. तो इसीलिए सीनियर सिटीजंस को रिलीफ देने के लिए वित्त मंत्री ने काफी सारे प्रोविजंस किए बजट 2018-19 में. वित्त मंत्री ने कहा कि उन लोगों की केयर करना जिन लोगों ने हमारे लिए केयर की एक सम्मान की बात है. तो पहले हम रिलीफ की बात करते हैं, क्या क्या रिलीफ दी गई सीनियर सिटीजंस को, और यह भी जानेंगे क्या वो रिलीफ सिर्फ अर्बन भारत के सीनियर सिटीजंस के लिए है या फिर ग्रामीण भारत में जो बूढ़े लोग जो सीनियर सिटीजंस रहते हैं उनको भी बजट की रिलीफ से फायदा होगा. तो पहले हम प्रोविजंस की बात करते हैं. बैंक्स में जमा पैसे से जो ब्याज हासिल होता है टैक्स में उसकी एग्जेम्पशन लिमिट को 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं. मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन जिनकी एज है 65 ईयर्स, इनकी एनुअल इनकम है 5 लाख रुपए, 5 लाख, लेकिन इनका कुछ पैसा बैंक में भी जमा है और वहां से इनको ब्याज मिल रहा है 60,000. तो टोटल इनकम, अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना माने तो टोटल इनकम हो जाती है इस सिचुएशन में 5,60,000 रुपए. लेकिन देखो बजट 2018-19 से पहले यह प्रोविजन था कि जितनी इनकम हासिल होती है बैंक में जो पैसा जमा है वहां से ब्याज के रूप में जितनी इनकम हासिल होती है उस पर 10,000 का एग्जम्पशन मिलेगा. यानी 60,000 पैसा हासिल हो रहा है ब्याज की फॉर्म में, तो 60,000 माइनस 10,000 इसी पे टैक्स लगेगा. यानी 10,000 का एग्जम्पशन जो पैसा हासिल होता है ब्याज की फॉर्म में, लेकिन अब इस एग्जम्पशन को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है. तो यानी अब किसी पर्सन को, किसी सीनियर सिटीजन को 60,000 रुपए हासिल हो रहे हैं बैंक से ब्याज की फॉर्म में, तो 50,000 का एग्जम्पशन मिलेगा. तो इस सिचुएशन में 5 लाख प्लस में 10,000 सिर्फ सीनियर सिटीजन को 60,000 पैसा मिल रहा है ब्याज की फॉर्म में, 50,000 का एग्जम्पशन सिर्फ टोटल इनकम में 10,000 जोड़ दीजिए, 5,10,000, तो एग्जम्पशन को इंक्रीज कर दिया गया है. दूसरे प्रोविजंस की बात करते हैं. फॉर्म 80D के अंदर जो डिडक्शन लिमिट है उसे भी इंक्रीज कर दिया गया है. एग्जाम्पल की सहायता से इसे हम समझते हैं, अदरवाइज काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इजी वे में इसे हम समझेंगे. मान लेते हैं एक सीनियर सिटीजन जिनका नाम है मोहनदास जी. मोहनदास जी की एज है 60 से 80 ईयर्स के बीच और इनकी एनुअल इनकम है 7 लाख. ये पैसा उन्हें हासिल होता है पेंशन प्लान से, यानी अपने जीवन काल में इन्होंने कोई पेंशन प्लान लिया होगा वहां से मोहनदास जी को ये इनकम प्राप्त हो रही है एक साल में 7 लाख रुपए, 7 लाख. अब देखो ऐसा नहीं है कि 7 लाख पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा मोहनदास जी को.
सरकार काफी सारी छूट देती है, रिबेट देती है इनकम पे, तो इससे टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो जाती है। जैसे मोहनदास जी की इस केस में 7 लाख रुपए इनकम है, लेकिन सारी डिडक्शंस काट के उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,10,000 हो जाएगी। यानी 7 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 4,10,000 पे देना पड़ेगा रिबेट्स का फायदा उठा के, डिडक्शन का फायदा उठा के। और कौन कौन सी डिडक्शंस मिलेगी सीनियर सिटीजन को, कौन कौन से फायदे किए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले, चूंकि पेंशन से पैसा हासिल हो रहा है तो काइंड ऑफ एक सैलरी ही है ये, तो सैलरीड पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है सरकार की 40,000। यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर दूसरी तरह के खर्चों के लिए टैक्स जो टोटल इनकम है उसमें 40,000 कम किए जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस या दूसरी चीजों के लिए। तो 40,000 डिडक्शन यहां से मिल गया, 7 लाख से आप 40,000 घटा दीजिए, 6,60,000 बच गया। उसके बाद देखो, ATC के अंदर सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। ये ATC क्या है? अगर देखो सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करते हैं इस लिस्ट में जो जो आइटम्स मेंशन हैं, या जैसे कि प्रोविडेंट फंड, PPF, 5 लाख की FDs, 5 लाख से ऊपर की FDs, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन सब चीजों में अगर सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख तक की डिडक्शन मिल सकती है यहां से। तो मान लेते हैं 1 लाख की डिडक्शन यहां से भी मिल गई। उसके बाद बारी आती है ATD की। अगर किसी सीनियर सिटीजन ने, मोहनदास जी इस एग्जाम्पल में, मोहनदास जी ने कोई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम लेकर रखी है, तो हर साल उस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो देखो प्रीमियम में जो पैसा देना पड़ता है सीनियर सिटीजन्स को, उसके लिए डिडक्शन मिलती है टोटल इनकम से। पहले ये डिडक्शन होती थी 30,000 रुपए, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ा के 50,000 कर दिया है। यानी सीनियर सिटीजन्स अगर 50,000 रुपए तक का मेडिकल प्रीमियम देते हैं, इंश्योरेंस स्कीम के लिए प्रीमियम देते हैं, तो उसको टोटल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा, टैक्सेबल इनकम में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ATD आप याद रखिएगा, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए जो प्रीमियम दिया जाता है या फिर हेल्थ चेकअप पेमेंट जो दी जाती है, उसके लिए डिडक्शन मिलता है टोटल इनकम से। अब बात करते हैं ATDDB की। ATDDB के अंदर सीनियर सिटीजन्स अगर कुछ स्पेसिफिक गंभीर बीमारियों का इलाज करवाते हैं तो उनको टोटल इनकम से एग्जम्पशन मिलता है। पहले ये एग्जम्पशन लिमिट थी 60,000, लेकिन इस साल के बजट के बाद इस लिमिट को इंक्रीज करके 1 लाख कर दिया गया है। यानी अब सीनियर सिटीजन्स कुछ स्पेसिफिक गंभीर बीमारियों का इलाज करवाते हैं तो 1 लाख रुपए तक का उनको डिडक्शन मिलेगा टोटल इनकम से। पहले ये डिडक्शन मिलता था 60,000 रुपए, तो इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहां पे देखो, 2018-19 के बजट से पहले इस सिचुएशन में टैक्सेबल इनकम होती 5,10,000, लेकिन अब काफी सारे रिबेट्स दिए गए हैं, काफी सारी छूट दी गई हैं, इसीलिए टैक्सेबल इनकम होगी 4,10,000। लेकिन एक चीज, सेस को इंक्रीज कर दिया गया है, टैक्स ऑन टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले सेस लगता था 3%, लेकिन अब सेस को 3% से बढ़ा के कर दिया गया है 4%। तो देखो, 7 लाख अगर किसी सीनियर सिटीजन की इनकम 2018-19 के बजट से पहले थी तो उस सीनियर सिटीजन को टैक्स देना पड़ता 12,360, लेकिन बजट में जो काफी सारी रिलीफ दी गई है सीनियर सिटीजन को, अब 7 लाख वाले पर्सन को, सीनियर सिटीजन को टैक्स देना पड़ेगा 5,720, यानी 6,640 रुपए का फायदा होगा। डिटेल से इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आपको सारे प्रोविजन समझ में आ गए। एक और फायदा यह भी किया सीनियर सिटीजन के लिए, पहले एक स्कीम थी सरकार की, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। इस साल एक्सपायर होना था इस स्कीम को, लेकिन 2 सालों के लिए प्रधानमंत्री वाया वंदना स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। होता क्या है इस स्कीम में, सीनियर सिटीजन्स को पेंशन की फॉर्म में 8% एश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं। इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया है। यानी सीनियर सिटीजन्स पहले स्कीम के अंदर 7,50,000 इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब इस इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंक्रीज करके 15 लाख कर दिया गया है। तो ये सारे प्रोविजंस हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बजट में, बजट 2018-19 में। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, 70% सीनियर सिटीजन्स हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो ये सारे जो प्रोविजंस सरकार ने किए हैं ये अर्बन भारत के सीनियर सिटीजन्स के लिए ज्यादा हैं। ग्रामीण भारत के सीनियर सिटीजन्स को इन सभी रिलीफ्स का, इन सभी रिबेट्स का फायदा नहीं होगा। अगर ग्रामीण भारत के सीनियर सिटीजन्स को इंपावर करना है तो उनके लिए सोशल वेलफेयर की नई स्कीम चलानी होगी, और ऑलरेडी जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स चल रही हैं इसके लिए एलोकेशन जो है सरकार को इंक्रीज करना होगा, लेकिन वो सब नहीं दिखता इस साल के बजट में। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट असिस्टेंस के लिए जो बजट सरकार ने रखा वो है 6,565 करोड़, काफी कम है। इसके लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी सरकार एड देती है ताकि वो सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, वो एलोकेशन है सिर्फ 60 करोड़। तो ग्रामीण भारत के सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने कुछ खास किया नहीं इस साल के बजट में। ये जो सारी रिलीफ दी गई है बजट में, उसका फायदा अर्बन भारत के सीनियर सिटीजन्स को होगा। तो लास्ट में एक बात बोली जाती है, देखो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो लिखा गया है आर्टिकल नंबर 21 में, वो सबके लिए है,
ऐसा नहीं कि 60 साल उम्र हो गई तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी चला जाएगा। तो सीनियर सिटीजंस को भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। सरकार को इनफ स्टेप्स उठाने होंगे ताकि सीनियर सिटीजंस पूरे भारत में, ना सिर्फ अर्बन भारत में बल्कि ग्रामीण भारत में भी डिग्निटी के साथ जी सके। तो ये पूरा आर्टिकल था सीनियर सिटीजंस के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल मालदीव से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। लोकेशन पहले आप देख लीजिए मालदीव की, इंडियन ओशन में। यहां पे है, स्क्रीन पे देखिए, यहां पे है मालदीव। इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। देखो लोकेशन इंडियन ओशन में सेंट्रलाइज्ड है। अगर किसी और देश का, दूसरे देश का दबदबा बढ़ता है मालदीव में, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हाल ही में मालदीव ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया चाइना के साथ। चाइना की नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं मालदीव के साथ। इंडिया के एम्बेसडर मालदीव में मालदीव के 3 ऑफिशियल्स के साथ मिले। बाद में मालदीव की सरकार ने उन 3 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया। इस बात पे भी इंडिया ने आपत्ति जताई थी। मालदीव में हाल ही में रेडिकलिज्म भी काफी ज्यादा देखने को मिला। बहुत सारे यूथ ने मालदीव से ज्वाइन किया ISIS को। तो ये सब बातें चिंता का कारण है इंडिया के लिए। और फिलहाल तो मालदीव एक अलग तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या है वो क्राइसिस, बैकग्राउंड के साथ हम जानते हैं। अभी देखो मालदीव के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यमीन। 2013 में इलेक्शन हुआ था और अब्दुल्ला यमीन राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले मोहम्मद नसीद भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2012 में इन्हें हटा दिया गया था। लेकिन देखो 2013 के जो इलेक्शन हुए थे, काफी विवाद है उस इलेक्शन पे। कुछ लोग कहते हैं धांधलेबाजी हुई थी उस इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में। इसी वजह से अब्दुल्ला यमीन इलेक्शन जीत पाए थे। अब क्या हो रहा है, जैसे ही 2013 में इलेक्शन जीता था अब्दुल्ला यमीन ने, इन्होंने अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स, इनके जो अपोजिशन के लीडर्स थे, उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवाए। और जुडिशरी में भी इनके लॉयल बंदे थे, तो जुडिशरी ने उन पॉलिटिकल लीडर्स पे, यानी जो अपोजिशन में थे अब्दुल्ला यमीन के, उनको सजा दिलवाई गई। जैसे मोहम्मद नसीद जो फॉर्मर राष्ट्रपति थे, इनको टेररिज्म के एक फर्जी मामले में 15 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि अभी ये मालदीव में नहीं है, ये इलाज करवाने के बहाने मालदीव से गए यूके में, लेकिन लौट के नहीं आए। लेकिन और काफी सारे लीडर्स हैं जो इनके अपोजिशन में थे, वो अभी जेल में हैं, मतलब वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी क्यों एकदम से क्राइसिस आए? अभी देखो सुप्रीम कोर्ट, मालदीव की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक वर्डिक्ट देती है, आदेश देती है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाए। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो भी उनकी जेल टर्म है, उसको सस्पेंड करके उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन अब्दुल्ला यमीन ने सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को मानने से इनकार कर दिया है। और जो भी वहां मालदीव के पुलिस चीफ या फिर जेल के जो चीफ हैं, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर रहे हैं, तो उनको सस्पेंड कर रहे हैं अब्दुल्ला यमीन। यानी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जो मजलिस है, यानी वहां की पार्लियामेंट मालदीव की, उसे कन्वीन किया जाए। लेकिन अब्दुल्ला यमीन ने पार्लियामेंट को कन्वीन करने से भी इंकार कर दिया है। इवन पार्लियामेंट के पास आर्मी को भेज दिया गया कि कोई भी एमपी अगर पार्लियामेंट अटेंड करने आता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गए हैं मालदीव में। बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है जो इनके समर्थन में है अब्दुल्ला यमीन के, लेकिन बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है जो अब्दुल्ला यमीन के अगेंस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मानने के लिए तैयार है, लेकिन डिवाइड हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गए हैं। अब इंडिया का एंगल आता है। इंडिया के लिए मालदीव काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता है। लेकिन देखो पिछले कुछ समय में इंडिया ने अपना जो इन्फ्लुएंस है मालदीव में, उसे खो दिया है। मालदीव अभी सार्क का मेंबर है इंडिया के साथ, लेकिन सार्क को इंडिया तवज्जो नहीं दे रहा है। कॉमनवेल्थ का भी मेंबर था मालदीव पहले, लेकिन बाद में मालदीव ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को छोड़ दिया था और प्रधानमंत्री ने यात्रा भी नहीं की। तो ये सारी बातें एक तरफ इशारा करती हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस हाल ही में, पिछले कुछ समय में मालदीव में कम हुआ है। पहले इंडिया का दबदबा था मालदीव में, लेकिन पिछले कुछ समय में मालदीव के रिलेशंस ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं चाइना के साथ, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना। अभी फिलहाल की सिचुएशन पे इंडिया की तरफ से ये कमेंट आया है कि हम मालदीव की सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। एक तरफ से हमने रिक्वेस्ट की है मालदीव के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन से कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसे इंप्लीमेंट किया जाए, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी जो अपोजिशन के लीडर्स जिनके खिलाफ फर्जी केसेस दर्ज करके उन्हें जेल में बंद कर किया गया, उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि मालदीव में इस साल इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था मालदीव के हालात के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल HPV वैक्सीन के बारे में है। GS पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिस्पॉन्सिबल है सर्विकल कैंसर के लिए। बहुत सारे लोगों में सर्विकल कैंसर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण। तो इस तरह के कैंसर को होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन है जिसका नाम है HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। लेकिन अभी क्या न्यूज आई
कि इस वैक्सीन की वजह से काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट छपी कई सारे जर्नल्स में, कई सारे न्यूज़पेपर्स में। कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। इस साइड इफेक्ट के कारण शरीर के विभिन्न अंगों में काफी ज्यादा दर्द होता है। दूसरा साइड इफेक्ट क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम, बॉडी में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है इस साइड इफेक्ट के कारण। और तीसरा साइड इफेक्ट पोस्टरल ऑर्थोस्टेटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम, पोट्स। इस साइड इफेक्ट के कारण खड़ा होने पर हार्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की खबरें आई कि HPV वैक्सीन के कारण, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के कारण ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, अगर ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी खबरें अभी सुनने को आ रही हैं, तो जब क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा दिया गया था तब इस तरह के साइड इफेक्ट्स के बारे में क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि देखो, आपको पता है प्रोसेस क्या होती है। कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर, उसको पहले क्लिनिक में ट्रायल्स करने पड़ते हैं नई मेडिसिन पे, और वो सारे डेटा को लेके जाता है कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर देखता है क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को, उसके बाद नई मेडिसिन को अप्रूवल मिलता है। अगर क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा में कुछ कमी मिलती है तो नई मेडिसिन को अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा में ये सारे साइड इफेक्ट्स की बात क्यों नहीं सामने आई? तो आर्टिकल ये कहता है, काफी बार मेडिसिन को जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा नहीं लेके जाते कंट्रोलर के पास, वो आधा डेटा को छुपा लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस तरह का डेटा कंट्रोलर को पता लगा तो हो सकता है कि हमारी मेडिसिन को अप्रूवल ना मिले, इसीलिए वो कुछ डेटा को छुपा लेते हैं। जैसे एक केस भी, एक एग्जाम्पल रखा गया है आर्टिकल के द्वारा, टैमीफ्लू एक वैक्सीन है H1N1 इन्फ्लुएंजा के लिए। शुरुआत में इस मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर ने दावा किया कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है H1N1 इन्फ्लुएंजा के लिए, तो WHO ने भी कहा कि आप इस वैक्सीन को प्रोक्योर कर सकते हो। विभिन्न कंट्रीज ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे अपने अपने देश में इस टैमीफ्लू वैक्सीन को प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, स्टॉक में रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स सामने आई कि मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर ने सारा डेटा नहीं रखा पब्लिक के सामने, क्लिनिकल ट्रायल्स में सारा डेटा कंट्रोलर के सामने नहीं रखा, और जो दावा किया गया है मैन्युफैक्चरर के द्वारा उतनी इफेक्टिव, उतनी असरदार ये मेडिसिन नहीं है। तो उसके बाद WHO ने एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट से हटा लिया टैमीफ्लू वैक्सीन को। तो ये एग्जांपल दिया गया है किस प्रकार से जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, कम डेटा रखते हैं कंट्रोलर के सामने, और वही हुआ HPV वैक्सीन में। लेकिन एक बड़ा इश्यू ये है कि HPV वैक्सीन वैसे काफी असरदार है, सर्विकल कैंसर को ठीक कर सकती है, इसमें डाउट नहीं है, बस साइड इफेक्ट्स का खतरा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अभी सिर्फ रिपोर्ट्स आई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे। मतलब ये है कि अभी और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है कि वास्तव में HPV वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत सरकार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में HPV वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने वाली है ताकि सर्विकल कैंसर को होने से रोका जा सके। अगर देखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल होती है HPV वैक्सीन, तो मिलियंस ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स हमारे देश में जिनकी एज है 9 से 14 साल के बीच, उनको ये वैक्सीन मिलेगी ताकि उन लड़कियों में आगे जाके सर्विकल कैंसर को होने से रोका जा सके। काफी इफेक्टिव है ये वैक्सीन सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन देखो, यहां पे भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है, ध्यान से सुनिएगा। एथिकल इशू क्या है? एक तरफ तो देखो सरकार इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर रही है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ताकि सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके, दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि साइड इफेक्ट्स हैं इस वैक्सीन के, तो क्या किया जाए? क्या साइड इफेक्ट वाली वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में? मिलियंस ऑफ गर्ल्स को ये वैक्सीन दी जाएगी तो उनको भी तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या करे सरकार इस दिशा में? सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करे या फिर साइड इफेक्ट की तरफ ध्यान दे? आर्टिकल ये कहता है कि सरकार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में HPV वैक्सीन के साथ आगे बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजंस हैं। देखो, अभी जो साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट सामने आई, सिर्फ ये रिपोर्ट्स हैं, और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। और अगर ये रिपोर्ट सच भी होती है तो साइड इफेक्ट रेयरली होगा, ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन जिसको ये वैक्सीन दी जाएगी HPV वैक्सीन उसको ये साइड इफेक्ट होगा, रेयरली साइड इफेक्ट होगा किसी पर्सन को। मतलब बड़े डिजीज को होने से बचाने के लिए सरकार छोटे साइड इफेक्ट के साथ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि साइड इफेक्ट काफी जनरल है, जैसे शरीर की थकावट होना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पेन, ये जो साइड इफेक्ट है जनरल है। तो सर्विकल कैंसर जो है काफी गंभीर डिजीज है, उसको होने से बचाने के लिए सरकार थोड़े बहुत साइड इफेक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है। सरकार ने पहले भी ऐसा किया है,
जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे। पोलियो को होने से रोकने के लिए जो पोलियो की खुराक दी जाती है, यह सच्चाई है कि मिलियंस में से एक आधा केस ऐसा होता है कि वो खुराक पोलियो को होने से बचाने की बजाय पोलियो कर देती है, लेकिन ऐसा रेयरली होता है। मिलियंस में से एक आधा केस को ऐसा होता है, सरकार को यह पता भी है, लेकिन फिर भी सरकार खुराक देती है पोलियो की। उसी प्रकार से यहां भी सरकार को पता है कि थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी सरकार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एचपीवी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करे ताकि सर्विकल कैंसर को होने से रोका जा सके। तो यह पूरा आर्टिकल था, एथिक्स में काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकता है यह आर्टिकल। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल रिफ्यूजीज के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? सुप्रीम कोर्ट में 1 फरवरी को भारत सरकार के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने रोहिंग्या रिफ्यूजीज के बारे में अपना रिप्लाई प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि इंडिया वर्ल्ड की रिफ्यूजी कैपिटल बने। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम रोहिंग्यास को आने देते हैं तो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से रिफ्यूजीज आने लगेंगे हमारे देश में, और इसीलिए हम कोई भी लीनियंसी नहीं एक्सरसाइज कर सकते इस दिशा में, इस इशू पे। तो यहां पे राइटर ये कहते हैं काफी सारी कमियां हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की इस स्टेटमेंट में। सबसे पहले उन्होंने कहा वी डू नॉट वांट इंडिया टू बिकम द रिफ्यूजी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। यहां पे वी कौन है? उनके रिप्लाई से तो ये लगता है वी जैसे सारे लोग, इंडिया के सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को रिफ्यूजी कैपिटल नहीं बनने देंगे। पार्लियामेंट के लोकसभा या फिर कम से कम राज्यसभा से कोई रेजोल्यूशन पास हुआ होता तब भी हम मान लेते कि लोग नहीं चाहते, लेकिन ये सरकार का मानना है, ये इंडिया के लोगों का नहीं मानना है। दूसरी बात, पूर्व में जैसे तिब्बत से रिफ्यूजीज आए हमारे देश में, श्रीलंका से रिफ्यूजीज आए, बांग्लादेश से रिफ्यूजीज आए, समय समय पर इवन आजादी के समय में भी पाकिस्तान से हमारे देश में रिफ्यूजीज आए थे। उस समय हमने हमारे देश में रिफ्यूजीज को क्यों आने दिया? या तो हम उस समय गलत थे या हम आज गलत हैं। हमारे लीडर्स जैसे वाजपेयी, नेहरू, इंदिरा गांधी, क्या वो सब गलत थे कि उन्होंने रिफ्यूजीज को हमारे देश में आने दिया? दलाई लामा जो इतने सालों से हमारे देश में रह रहे हैं, क्या वो गलत डिसीजन था? नहीं, हमने हमेशा उनको बचाया है जिन पे संकट आया है। 16वीं-17वीं सेंचुरी में पारसी हमारे देश में आए क्योंकि उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था ईरान में, हमने उनको शरण दी हमारे देश में क्योंकि ये हमारे वैल्यूज में है, ये हमारी सभ्यता में है। ये कहना कि इससे टेररिज्म का खतरा हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन सारे रिफ्यूजीज जो इंडिया में आ रहे हैं वो टेररिस्ट नहीं है। गवर्नमेंट अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का यूज कर सकती है, लेकिन रिफ्यूजीज को संकट पे छोड़ना, उनको भगवान भरोसे छोड़ना, ये हमारी वैल्यूज में नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल था रिफ्यूजीज के बारे में। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट थे जिनको हम आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इन इंडिया। गवर्नमेंट के ट्विन ऑब्जेक्टिव्स क्या है फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में? इंस्ट्रूमेंट्स भी बताने हैं जो गवर्नमेंट के पास है इस पॉलिसी को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। उसके बाद यह भी बताना है क्या आपको लगता है कि एमएसपी पॉलिसी में अर्जेंट नीड है रैशनलाइजेशन की। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन है सीनियर सिटीजन से संबंधित। कंसीडरिंग इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी होम टू 30 मिलियन एल्डरली पीपल बाय 2050 तक हमारे देश में सीनियर सिटीजन की संख्या हो जाएगी 300 मिलियन। आपको यह बताना है, एग्जामिन करना है सीनियर सिटीजन किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन है मालदीव से संबंधित। डू यू थिंक इंडिया इज लूजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक एज इन मालदीव? क्या आपको लगता है कि मालदीव में इंडिया अपना जो स्ट्रेटेजिक एज है उसे लूज कर रहा है? इस रिगार्ड में आपको क्रिटिकली एनालाइज करने हैं इंडिया और मालदीव की रिलेशनशिप को। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद आज ऐसे का कोट है ब्लेमिंग इस्लाम फॉर टेररिज्म इज लाइक ब्लेमिंग क्रिश्चियनिटी फॉर कॉलोनियलिज्म। देखो, अगर किसी भी धर्म, किसी भी आइडेंटिटी के कुछ लोग अगर वायलेंस के रास्ते पर चलते हैं, अगर गुनाह करते हैं, तो पूरे धर्म को, पूरी आइडेंटिटी को, पूरी जाति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब टेररिस्ट अपने मंसूबों में कामयाब हो गए हैं। विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच या फिर विभिन्न आइडेंटिटीज के बीच नफरत फैलाने में वो कामयाब हो गए हैं। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी आइडेंटिटी के कुछ लोग अगर टेररिज्म के रास्ते पर चलते हैं तो पूरी आइडेंटिटी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने क्या रिलीफ की है बजट 2018-19 में, और क्या हमारे देश में सभी सीनियर सिटीजन को इन रिलीफ का फायदा मिल पाएगा या नहीं, ये सब हमने डिस्कस किया इस आर्टिकल में।
उसके बाद हमने डिस्कस किया इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में, किस प्रकार से मालदीव में फिलहाल इंस्टेबिलिटी आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गए हैं मालदीव में। उसके बाद हमने डिस्कस किया HPV वैक्सीन के बारे में, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन के बारे में, क्या एथिकल इशू है सरकार के सामने, वो भी हमने डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया रोहिंग्यास इश्यूज के बारे में, या फिर यूं कहें जनरलाइज करके हमने रिफ्यूजीज के इशू के बारे में डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।